फ्रेंड्स नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे शाइबरस डायरी करके मेरा न्यू चैनल स्टार्ट किया है और आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ मेरा फर्स्ट ब्लॉग होम टूर। तो देखते हैं मैंने यहाँ पे मेरे घर पे कैसे अरेंज किया है और कितना खूबसूरत है हमारा ये घर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A few moments later. तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं हमारा खूबसूरत सा बंगलो, ये अरमान नाम रखा है हमने बंगलो का, ये देखिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। यह हमारा बड़ा सा गेट है, यहाँ पे बड़ा वाला जो है लॉक लगाया हुआ, यहाँ पे हम कार यहाँ से पार्क करते हैं और छोटे वाले पे हम छोटी बाइक या स्कूटी जो भी है वहाँ से एंटर करते हैं आने जाने के लिए। तो अब हम आपको मेरा पार्किंग दिखाते हैं। ये देखिए हमारी कार, ये हमारी एक्शन कार है, ये देखिए हमारा पार्किंग। यहाँ पे बाइक है एवेंजर, तो मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे सीलिंग को भी हमने पीओपी किया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पूरा। मैं आपको पार्किंग दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये हमारे बाजोली आंटी का घर है, यहाँ पे पार्किंग है और यहाँ पे एंट्रेंस डोर है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं घर के अंदर। यहाँ पे आप ये हमारा फ्रेंच डोर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया दिखता है। और यहाँ पे हमने डोर के बाहर एक मैट रखा है, जो कोई भी बाहर से आए तो यहाँ पे पैर पोछ के अंदर आ सकता है, ये देखिए। तो चलिए अब चलते हैं घर के अंदर। तो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा शू कबर्ड है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रे कलर का कबर्ड है, ये हमारे सोसाइटी का। यहाँ पे सीसीटीवी है, यहाँ पे पूरा मैनेज होता है, यहाँ पे कंट्रोल है पूरा, ये देखिए। ये 8 कैमरेज है यहाँ पे, पूरे सोसाइटी का यहाँ पे लाइव दिखता है। और यहाँ पे जो आपको विंडो दिख रही है वो बाहर के पार्किंग वाली विंडो है। और हमने यहाँ पे एक स्टेयरकेस के नीचे यहाँ पे छोटी जगह पे ये शू रैक शू कबर्ड किए हैं, ये देखिए। और सबसे मेन बात कि हमने यहाँ पे सैनिटाइजर की बॉटल रखा है, जो भी बाहर से कोई आएगा तो यहाँ पे सैनिटाइजर करके ऊपर आता है, तो ये सबसे मेन चीज़ है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं हमारा ये ग्राउंड फ्लोर। तो आप देख सकते हैं हमारा पैसेज है और यहाँ पे हमने एक फ्रेम लगाई है, ये देखिए। और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा पैसेज है, यहाँ पे हमने सोफा रखा है, बच्चों के फ्रेंड्स लोग या जो भी कुछ छोटे बहुत डिस्कस करना हो तो यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, उनके फ्रेंड्स भी आएंगे तो यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने छोटी जगह पे यहाँ पे सोफा डाल दिया है। और यहाँ पे आप ये सामने देख सकते हैं, यहाँ पे विंडो है और बड़े हमने कर्टन्स लगाए हुए हैं और कलर भी हमने बहुत ही लाइटली दिया है, ज़्यादा डार्क वाला नहीं है, बहुत ही डिसेंट है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ्रेम है और यहाँ पे सेफ्टी डोर है। पीछे हमारी थोड़ी जगह थोड़ी बाकी है, और कुछ भी पाइपलाइन हो या ड्रेनेज वगैरह कोई क्लीन करना हो तो, इसलिए हमने पीछे थोड़ी जगह छोड़ दी है। ये आप मैं आपको कभी तो बाद में दिखाऊंगी वीडियोज में। तो फ्रेंड्स देखिए आप सामने की दीवार पर हमने हॉर्स वाला 7 हॉर्स वाला और बड़ा सा फ्रेम लगाया है, ये देखिए। तो कितने बढ़िया लग रहा है। ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वाला कुछ सामान नहीं लिया है, क्योंकि ज़्यादा जितना सामान होता है उतनी साफ सफाई करने में मुश्किल होती है, इसलिए मुझे ज़्यादा सामान पसंद नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, छोटा सा हमारा स्टोर रूम है स्टोरेज करने के लिए, यहाँ पे हमारा क्लीनिंग का वगैरह सामान रहता है, बहुत ही छोटा किया है छोटी सी जगह में। और यहाँ पे डोर है, ये देखिए छोटा सा, यहाँ पे अरमान के बैट बॉल वगैरह
खिलौने वगैरह जो भी है ये हमने यहाँ पे छोड़ दिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बेडरूम्स है और ये फर्स्ट वाला बेडरूम है ये अरमान का है और सेकंड वाला जो है अनिस का है, ये छोटे बच्चे का और वो बड़े बच्चे का है। तो चलते हम अरमान के बेडरूम में। तो ये देखिए अरमान का बेडरूम है ये। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ पूरा बेडरूम। तो वहाँ पे अरमान का चेंजिंग रूम, बाथरूम और प्लस कबर्ड है वहाँ पे। तो अब देख सकते हैं ये अरमान है हमारा और साथ में हमारे ये सल्लू भाई, वो भी सल्लू भाई बनना चाहता है तो इसलिए सलमान के साथ में उसने फोटो निकाला है और इंडिया का फ्लैग लगाया उसने। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पिक है और साथ ही यहाँ पे उसके स्मॉल स्मॉल कार्स, बहुत ही कार का शौकीन है वो। ये देखिए एंटिक पीस है उसके पास में। यहाँ पे भी ये मिनर में अरमान बैठा है चुपके, वहाँ पे उसने मम्मी पापा का फोटो लगाया है यानी हमारा। और ये ऑरेंज कलर उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसलिए उसने एक वॉल को ऑरेंज कलर दे दिया है। और ये आप ऊपर देख सकते हैं उसने ड्राइंग किया है। बेडशीट वगैरह भी उसकी चॉइस का रहता है, ये आप देख सकते हैं मिकी माउस का बेडशीट है उसका। और ये सामने है विंडो और उसके बाहर है जो पार्किंग है देखिए। और ये इसका स्टडी टेबल है, बुक्स है, यहाँ पे भी एक विंडो है और यहाँ पे उसके मेडल्स है, कराटे में उसको मेडल्स मिलते हैं। ये देखिए ब्लैक बेल्ट नहीं हुआ अभी बट अभी उसका चालू है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अरमान का चेंजिंग रूम है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे उसको एक हमने कबर्ड दिया है, ऊपर स्टोरेज के लिए थोड़े लाभ बनाए हैं दो कबर्ड छोटे छोटे। और यहाँ पे उसका बाथरूम है ये देखिए, तो बहुत ही खूबसूरत सा ये उसका बेडरूम है। छोटा सा पीओपी किया है और छोटा बहुत लाइटिंग भी लगा लिया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो ये है हमारे अरमान की पूरी बेडरूम। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अनिस के रूम पे और यहाँ पे लाइट्स ऑफ कर देते हैं क्योंकि अरमान तो ऊपर बैठा है। तो हम बेडरूम लॉक कर लेते हैं। तो ये थे पेरिस अरमान की बेडरूम। आप चलते हैं हम अनिस की बेडरूम की तरफ। ओपन डोर। तो ये है हमारे बड़े बच्चे की बेडरूम, अनिस की बेडरूम है ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे हम लाइट लगा लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अनिस की बेडरूम। तो यहाँ पे बड़ा सा बेड है अनिस का, किंग साइज बेड और ये उसका कलर चॉइस है वॉल का। और ऊपर हमने पीओपी भी किया है, ये देख सकते हैं हर एक रूम में हमने पीओपी बनाया है हर एक की चॉइस के हिसाब से। दोनों का सेम कर्टन्स कलर है या सेम कर्टन है। यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे अनिस का स्टडी टेबल है सेम है जैसे अरमान का है वैसे अनिस का है। वहाँ पे ड्रॉवर है, कबर्ड है छोटा सा बुक्स वगैरह। और यहाँ पे बाथरूम है अनिस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फ्रेम है, मम्मी पापा का फ्रेम है, छोटे भाई का फ्रेम है अरमान का, अनिस का और अरमान का फ्रेम है, कुछ मेमोरीज है ओल्ड मेमोरी ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे छोटा क्लॉक है ये हमने अमेजन से लिया है और सिंपल सा डिज़ाइन है। अभी मेरे को और थोड़ा सा इस पर डिज़ाइन करना है। और यहाँ पे हमने अनिस को कपड़ दिया है और ऊपर भी थोड़ा छोटे छोटे कपड़ से
आप इसे लैप भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी स्टोरेज सामान है थोड़ा बहुत। तो ये है हमारी पूरी अनिस की बेडरूम। तो यहाँ पे हमने लाइट ऑफ कर दिए, अब डोर लॉक कर देते हैं। अब चलते हम फर्स्ट फ्लोर पे। तो फ्रेंड्स, आपको ये ग्राउंड फ्लोर कैसे लगा आप मुझे कमेंट करना जरूर बताएं। यहाँ की भी हम लाइट ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे कुछ काम नहीं है, ऊपर ही जाना है। तो फ्रेंड्स, ये ऊपर जाने के लिए हमारा स्टेयरकेस है। यहाँ पे हमने मार्बल लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अब हम फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पे जो ये साइड में विंडो है, ये पार्किंग वाला ही विंडो है जो आपको मैंने बताया था। तो ये हमारा स्टेयरकेस है, यहाँ पे ये स्टेयरकेस वाला विंडो है, बाहर का व्यू दिखता है यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ से टर्न लेते हैं, छोटा सा स्टेयरकेस है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने एंटर में ये वॉश रखा है, ये देखिए। यहाँ पे व्हाइट वाले फ्लावर डाले हैं इसके अंदर, ये भी हमने अमेजोन से लिया है। तो फ्रेंड्स, अब आपको हम दिखाते हैं हमारा की होल्डर, जगुआर का है ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और यहाँ पे कुछ स्विच है, यहाँ पे ऊपर का लाइट का और बेल वाला। और यहाँ पे स्मॉल सा जुम्बर है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट है, जब चाहे तब सॉन्ग सुन सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, कलरफुल वाला है, कलर चेंज होते हैं इसमें, बहुत ही खूबसूरत है, रात में तो बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो यहाँ पे हम व्हाइट लाइट बंद कर देते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, कलर चेंज हुआ है उसका, इतना खूबसूरत लग रहा है। और सामने यहाँ पे हमने मार्बल में हमने कुछ कलमा लगाया हुआ है, ये देखिए, बहुत ही बढ़िया फ्रेम है, ये हमने बना के लिए फ्रेम। और यहाँ पे हमारा लिविंग रूम का एंट्रेंस का डोर है, और ये हमारा लिविंग रूम है। और यहाँ से हम ऊपर भी हमारा गेस्ट रूम है, ये हम बाद में आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अब हम लिविंग रूम में। तो यहाँ पे हमारा ये डोर देख सकते हैं, जो बोलते हैं ना सागवान वाला, वो ड्रॉर है बड़ा ही बड़ा, देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन है और बहुत ही हेवी है ये डोर। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं हमारा लिविंग रूम का हॉल सीलिंग कितना खूबसूरत है, सिंपल है बट सोबर है। हमने बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया है, ज्यादा कुछ ऐसे नहीं किया है, बट स्क्वेयर में हमने इसको डिजाइन बनाया है सिंपल सा। ये देखिए, कलरफुल लाइट है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा हॉल देख सकते हैं, या लिविंग रूम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ये देखिए। दरवाजा लगाया हुआ है, ये देखिए, सीधा एंटर करने के सामने ही है हॉल में। और हमारा यहाँ पे सामने वाला जो है वॉल, यहाँ पे हमने ये टीवी यूनिट बनाया है, पूरा हमने वुडन में उसको कवर किया है। या देख सकते हैं आप लाइटली कलर हमने यहाँ पे डिजाइन किए हैं, ये देखिए, यहाँ पे ग्रे कलर है, यहाँ पे वुडन कलर है, इसमें हमने पूरा टीवी यूनिट यहाँ पे कन्वर्ट किया है। और यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉवर्स है, जो हम यहाँ पे रिमोट्स वगैरह सामान रख सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। और यहाँ पे हमने एक डिज़ाइन बनाया है इसे, देखिए। और यहाँ पे हमने ये स्मॉल प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स है ये, हमने यहाँ पे अमेजोन से लिए है, ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट्स है। और ये जो है
इस पर हम पंडल के यहाँ पे फ्लावर इसमें डाल देते हैं, बट अभी फ्लावर नहीं आए तो वैसे ही रखा है उसको। और फिर अब चलते हैं हम शॉपी से, ये बहुत ही प्यारा है, हमने मॉल से लिया है। और फिर यहाँ पे स्मॉल स्मॉल ड्रावर्स है, देखिए। तो यहाँ पे अभी मेरे को थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, वायरिंग वगैरह फिट करना है, तब तक के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। और यहाँ पे हमारा ये साउंड बार है JBL का, यहाँ पे हमने उसको होम थिएटर में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे हमारा TV है। अब हम चलते हैं हमारे कारना में, जो हमने जितने हासिल किए हुए यहाँ पे हमारे ट्रॉफीज है। तो ये अरमान को ट्रॉफी मिला था कैरम में, फर्स्ट आया था वो। और यहाँ पे अनिस को मिला था और बी में, ये मेरा वाला ट्रॉफी है और ये मेरा हॉबी का ट्रॉफी है। और यहाँ पे वुडन वाला है, ये हमने महाबलेश्वर से लिया था शोपीस ऐसे ही रखने के लिए। तो देखिए ये कितना प्यारा है। और फिर आप चलते हैं हम ऊपर के शेल्फ में। तो यहाँ पे जो आपको ये मग दिख रहा है ना, ये अरमान ने डिज़ाइन किया हुआ है, उसके यूट्यूब चैनल पे है इसका ये वीडियो। और ये हमने एफिल टावर मॉल में से लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अरमान के चॉपर से, ये हमने अरमान को जर्मन से लाया था, बाजू वाली दीदी ने गिफ्ट दिया था उसको। और ये लाया था हमने चेन्नई से, तो देख सकते कितना खूबसूरत है ये। फ्रेंड्स आप चलते हैं हम नेक्स्ट शेल्फ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटिक पीस है ये शेवलेट का, तो ये हमने कोल्हापुर में से लिया था, वहाँ पे मेहता करके एक स्टोर है, वहाँ पे पूरे एंटिक पीस मिलते हैं। जब भी हम कोल्हापुर जाते हैं तो वहाँ से हम ये गाड़ियाँ जो भी एंटिक पीस है हम ले के आते हैं। और ये भी बीटल है, एंटिक पीस है ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड को कंपनी में मिला था, तो हमने उसको फ्रेम में कन्वर्ट किया है और वहाँ पे डाल दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सोफा ये हमारा देख सकते हैं, ये हमने फर्नीचर में ही बना के लिया था। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये, एल शेप में है। और ये थोड़ा ये जो है इसे निकाल भी सकते हैं, अलग से भी रख सकते हैं, बट हमने इसे पूरा देख सकते हैं अब, बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे कुशन से ब्लैक एंड वाइट और ग्रे कलर में हमने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे कर्टन्स का भी कलर वही सेम रखा है, वाइट एंड ग्रे। हम सब लोगों को वाइट एंड ग्रे एंड ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरे जो भी घर में चीज़ें वो ऐसे ही है, वाइट ब्लैक या ग्रे। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर है, ज़्यादा जगमगा नहीं है, सिंपल एंड सोबर दिख रहे हैं ये देखें। और बीच में हमने यहाँ पे सेंटर टेबल रखा है कारपेट बिछा के, ये पुराना है, नया लिया नहीं है अभी, बट अच्छा है अभी, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डोर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया है ग्लास में, और साइड में वुडन लगाया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है डिज़ाइन वाला डोर बना है। और बाहर है हमारा स्मॉल गैलरी, तो चलिए हम चलते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे हमने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं ये देखें। दर्शन हो चुका है आपको, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ पूरा लिविंग रूम। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए हमारा पूरा हॉल, और आपको हमारा ये फर्नीचर जो हमने घर पे बनवाया है, आपको कैसा लगा आप ये कमेंट के द्वारा जरूर हमें शेयर करें। तो फ्रेंड्स आप चलते हैं हम शाबिरस किचन की ओर। तो यहाँ पे हमने एंटर को किचन की, तो यहाँ पे हमने ये थ्रेडिंग वाला कर्टन लगाया है, आप देख सकते बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये देखिए।
ये भी हमने ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट कलर में लगाया है। ये देखिए बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही बढ़िया दिखता है। इसे हम साइड में कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं शावरस किचन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है या खूबसूरत है। ये देखिए मेरा किचन जो यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब पे खाना बना के वीडियो डालती हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी हमने किचन ट्रॉली हो या फ्रिज हो या कबर्ड हो और साइड के जो वॉल कलर हो यहाँ पे भी हमने ब्लैक ग्रे ये डिसाइड किए करके हमने कलर दिया है और वाइट। ये देखिए मैं आपको पूरा किचन दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने छोटे छोटे लैंप्स बनाए जो मैं यहाँ पे स्टोरेज का सामान रखती हूँ और यहाँ पे एक कबर्ड है और मेरे टूल्स है शावरस किचन के जो मैं खाने के यहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ कुछ बर्तन है और ये हमारा डाइनिंग टेबल है चार लोगों का। और यहाँ पे हमारा किचन का प्लेटफॉर्म है ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में मार्बल का पूरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा माइक्रोवेव है। तो अभी हमने सामान में बेस मंगाए पिज्जा वाले ये हम रात में पिज्जा बना के उसका मस्त एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे हमने चिमनी लगाया प्रेस्टीज वाला और हमारा ये हॉपटॉप भी प्रेस्टीज वाला ही है। देखिए यहाँ पे एक विंडो है ये देखिए और साइड में ड्राई बालकनी है। यहाँ पे आईपॉड है और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फ्रिज देख सकते हैं आप। यह हमारा फ्रिज कम से कम 15 साल पुराना है बट अभी भी नया लगता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने किचन में भी फॉल सीलिंग किया है। ये देखिए और यहाँ पे हम डाइनिंग पे खाना खाने के लिए बैठते तो यहाँ पे भी हमने एक छोटा लाइट लगाया है। ये देखिए तो फ्रेंड्स ये हो गया शावरस किचन कंप्लीट। और यहाँ पे आपको ये डोर दिख रहा है यहाँ पे साइड में किचन के बाजू में ड्राई बालकनी है तो यहाँ पे मैंने मशीन रखे हुए और कुछ स्टोरेज का सामान ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये डिश वॉशर है ये देखिए अरबी का और वहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन है सैमसंग वाला और ये हमारा पूरा ड्राई बालकनी ऐसे है। यहाँ पे कबर्ड है कुछ सामान है पाउडर्स वगैरह मैं यहाँ पे रख देती हूँ और यहाँ पे पानी है बॉटल्स भर के रखे हुए हैं। फ्रेंड्स यहाँ हमने फर्नीचर में बनवाया है प्याज लहसुन या बटाटा रखने के लिए देखिए इस तरह से बहुत ही स्पेस है इसमें देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं मेरी बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे डोर्स के हमने डिज़ाइन एक ही किए हैं सेम पूरे डोर्स लगाए हैं पूरे घर पे। तो ये देखिए मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा बेडरूम। तो यहाँ पे भी हमने सीलिंग बनाया है ये देखिए डिज़ाइन देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और फ्रेंड्स मेरे को ब्लैक व्हाइट एंड पर्पल भी बहुत ही अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पे पर्पल पूरा बेडरूम के अंदर कलरफुल किया है। तो मैं आपको ये लाइट ऑन करके दिखाती हूँ ये देखिए तो यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाया है फॉल सीलिंग का पर्पल कलर में। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का और सामने के वॉल्स का डिज़ाइन सेम है कलर भी सेम रखा है। ये हमने अमेजोन से वॉल स्टिकर लिया है और यहाँ पे हमने घर पे ही लगाया है ये आप देख सकते हैं ब्लॉक ब्लॉक्स में इसका डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये है हमारा किंग साइज बेड इस तरह से मैं उसको अरेंज करती हूँ। और मुझे टेडी बेयर का बहुत ही बड़ा शौक है तो यहाँ पे आप ये हमारे टेडी देख सकते हैं ये हमारा बड़ा वाला गोलू है ये देखिए और वहाँ पे ऊपर है मोलू यहाँ पे छोटा स्मॉल सा पिंक वाला है वहाँ पे भी है और छोटे डॉल्स है ये आप देख सकते हैं। Thank you.
काफी बड़ी बैंक है, यहाँ पे पिगी बैंक है ये। यहाँ पे अरमन हो आनिस हो जो भी पॉकेट मनी मिलता है वो यहाँ पे डाल देते। तो ये देखिए हमारा बहुत बड़ा खजाना है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं साइड की वॉल पे हमने यहाँ पे कर्टन्स पर्पल और वाइट कलर में लगाए हुए हैं, और वहाँ पे विंडो है बड़ा और उसके ऊपर एसी लगाया है। ये देखिए, तो मैं आपको विंडो दिखाती हूँ बाहर की। देखिए इस तरह से यहाँ पे नेट में वाइट कर्टन है, और यहाँ पे हेवी ड्यूटी में पर्पल वाले कर्टन है, और यहाँ पे विंडो है हमारा। तो इसे अब हम कर देते हैं। साइड में हमारे देख सकते हैं पीसी महाराज है जो हम इस पे काम करते हैं, यूट्यूब हो या एडिटिंग हो या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आने से अरमान के चलते रहते हैं इस पे, तो इसका हम बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे सामने वाली दीवार पे ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, ये आप देख सकते हैं कुछ परफ्यूम्स है। यहाँ पे बॉडी डिओड्रेंट है, और मेरे यहाँ पे फ्रेम है दो स्कूल वाली, ये देखिए। और यहाँ पे हमारा पुराना जो सबका पसंदीदा ओल्ड गाने सुनने के लिए अच्छा लगता है वो है हमारा रेडियो। और यहाँ पे एक छोटा सा लैंप है, ये तो इस्तेमाल नहीं होता बट इसे हमने यहाँ पे शो के लिए इसे छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये सामने देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल बनाया हुआ है, और इसे हमने कबर्ड में कन्वर्ट किया है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा मेकअप का सामग्री है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये भी हमने फर्नीचर में घर पे ही बनवाया था। और यहाँ पे नीचे पॉप है जो मैं इस पे बैठती हूँ मेकअप करते समय, ये देखिए ऐसे। और यहाँ पे ये दो ड्रॉवर्स है जो मैं यहाँ पे मेरा कुछ सामान रखती हूँ, देखिए इस तरह से। तो अब चलते हैं हम, तो यहाँ पे बाथरूम है ये देखिए, और ये मैंने यहाँ पे मेरी शूट के लिए हमने यहाँ पे लाइट रखा है, रिंग लाइट हमने अमेजन से लिया है। तो फ्रेंड्स आप चलते हम बाथरूम की ओर, तो मैं मेरा आपको बाथरूम भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत वाला मेरा बाथरूम है, यहाँ पे भी लाइट कलर ही हमने वॉल्स पे रखा हुआ है, ये देखिए सामने से दिखाती हूँ। बहुत ही बड़ा बाथरूम है मेरा, और यहाँ पे हमने एक कबर्ड रखा है डेली यूज के कपड़े इसके अंदर, यहाँ पे थोड़ा हम चेंजिंग रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं, और साइड में डस्टबिन बाल्टी रखा है, और यहाँ पे भी हमने आईना लगा हुआ है, देखिए मिरर। और ये मेरा बाथरूम है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो ये है हमारा पूरा बाथरूम, अब चलते हैं हम बाहर की ओर। तो यहाँ पे हम डोर बंद कर देते हैं, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कबर्ड। तो ये मेरे हस्बैंड का कबर्ड है, राइट साइड वाला, और लेफ्ट वाला मेरा है। तो ये भी हमने घर पे फर्नीचर में बनवाया है, सिंपल कलर है लेकिन बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे बेड के सामने कारपेट बिछाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है।
सा बट ब्यूटीफुल है, ये आप देख सकते हैं पूरा बेडरूम। फ्रेंड्स यहाँ पे हम डोर बंद कर देते हैं और चलते हैं हमारे गेस्ट रूम के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयरकेस है, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे फ्रेम से ये हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे विंडो है, ये देखिए। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर्स रखे हैं हमने और डस्टबिन है यहाँ पे। और ये हमारा गेस्ट रूम। यहाँ पे तो कोई गेस्ट नहीं है, खाली है। तो यहाँ पे हमने कैरम रखा है, यहाँ पे हम बैठ के कैरम खेलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने गेस्ट रूम को भी फॉल सीलिंग किया है, छोटा सा सिंपल सा। देखिए बहुत ही सिंपल रूम है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विंडो है, बाहर का टेरेस व्यू दिखता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये पुराना वाला हमने कबर्ड रखा है, ये देखिए। और यहाँ पे बाथरूम है। ये था हमारा छोटा सा गेस्ट रूम। तो अब चलते हैं हम टेरेस की तरफ। ये हमारा सेफ्टी डोर है, बहुत ही ज्यादा हवा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेरेस, देखिए बहुत ही बड़ा है। तो मैं हमारे गार्डन की ओर लेके चलती हूँ आपको। देखिए पाम ट्री है, शो के प्लांट्स है, पुदीना है, यहाँ पे सोन चापा, मोगरा, गड़ी लीव्स है, यहाँ पे कुछ शो के प्लांट्स हैं। ये देखिए गुलाब है। यहाँ पे हमने ड्रम में कंपोस्ट खत बनाया है ऑर्गेनिक। और जी जो ये हमारा टेरेस जाता है, ऊपर वाले टेरेस पे जाता है, तो वहाँ पे सोलर है, पानी की टंकी वगैरह है वहाँ पे, और थोड़ी बहुत स्पेस है। ये हमारा पुराना मशीन है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे शिमला मिर्च वाला प्लांट लिया है फ्लिपकार्ट से, अभी 2 दिन पहले ही लिया है। ये देखिए इसको फ्लावर भी आ चुके हैं, देखते हैं अभी कितना बड़ा होता है और कितने शिमला मिर्च हमको खाने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये हमने कागज से लाया है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है। अलग अलग कलर के इसको फ्लावर्स होते हैं, चिनी मिनी बोलते हैं इसको। और ये भी हमने कोलापुर से लाया है, कितना फैला हुआ है देखिए अब। और फ्रेंड्स ये देखिए ये कलमी वाला नींबू का ट्री है, ये देखिए यहाँ पे लेमन छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अभी इसको बहुत सारे लेमन्स आ रहे हैं, बहुत ही छोटा है यार। और ये हमारे शोपीस शो प्लांट्स है, ये देखिए, जो हम इसे कभी कभी इंडोर घर के अंदर भी कुछ फेस्टिवल हो या कुछ भी प्रोग्राम हो तो इसे हम अंदर लेते हैं।
तो ये था हमारा पूरा टेरेस का व्यू। और मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ, ये हमारे बाजू वाली आंटी का जो मैंगो भी है उसको हमेशा मैंगो रहते हैं। चलो आप देखते हैं, हम मैंगो दिखाते हैं आपको। ये देखिए वहाँ पे दो मैंगोज हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए और भी है, उधर भी है दो। देखिए जब भी खाने का मन करे तो हम यहाँ से तोड़ सकते हैं। कैसे लगा हुआ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं और एक नई ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।